तो हम पढ़ने वाले हैं प्रोनाउंस। प्रोनाउंस में क्या होता है, जो नाउन की जगह आते हैं, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन में अगर पहली बार देखें तो जिसमें किसी पर्सन का नाम हो। पर्सन कौन कौन से, तो देयर आर थ्री पर्सन्स, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन वो होता है जिसकी जो बात कर रहा है, सेकंड पर्सन जिससे वो बात कर रहा है, और थर्ड पर्सन जिसकी वो बात कर रहा है, ठीक है। जैसे अगर सपोज मैंने अपना ही नाम लिखना है कि सिमर इज़ अ गर्ल, सिमर इज़ अ टीचर, तो हम बार बार सिमर नहीं लिखेंगे, हम उसकी जगह उसका नेम को रिमूव कर देंगे और उसकी जगह पर्सन लगा देंगे, ठीक है। अगर मैं अपनी बात करी सो पहले मैं बोलूँगी माय नेम इज़ सिमर, फिर आई एम अ टीचर, आई ऑल्सो नो, ठीक है, दिस इज़ माई, यू नो मी, मतलब मैंने क्या किया, प्रोनाउंस का यूज़ किया। प्रोनाउंस में जब आपको ये याद हो जाएगा कि फर्स्ट कौन है पर्सन, सेकंड कौन है और थर्ड कौन है, तो इनके कुछ सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पजेसिव केसेस हैं, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ आई, वी, यू, ही, शी, इट, नेम और दे ही लिखा हुआ है, और यही हम आगे बढ़ने वाले हैं सब्जेक्टिव केस में। तो सब्जेक्टिव, जब मैं खुद से बात कर रही हूँ, ठीक है, खुद की बात कर रही हूँ, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, सब्जेक्ट का मतलब होता है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, उसके बाद जो कर रहा है कोई काम, ठीक है। पजेसिव जो ये शो करे कि ये चीज़ मेरी है, जैसे दिस पेन इज माइन, दिस हाउस इज आर्स, ठीक है, योर, योर्स, हिज, हर, हर्स, इट्स, देयर, देयर्स। तो ये आपको सब्जेक्टिव के साथ पोजेसिव अब माइंड में रखना है कि कब सब्जेक्टिव कब आएगा, जब स्टार्टिंग की कोई बात हो रही है, मेन फंक्शनरी की बात हो रही है। पोजेशन की कब बात आएगी, जब हमने कोई ऑब्जेक्ट के साथ अपना लगाव शो करना है। ऑब्जेक्टिव कब आता है, जब हमने या तो किसी और की बात करनी है या वो उसमें हमारा होना इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। जैसे आई को मी, वी को अस, यू को यू, ही को हिम, शी को हर, इट को इट ही रहने दिया, दे को दम कर दिया, ठीक। तो सब्जेक्ट के अंदर जो भी ये वर्ड हमने यूज़ करने हैं वही क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसके साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट बातें। ये जो आई, वी, यू, ही, शी, दे है, इसका प्रयोग वर्ब के पहले किया जाता है, यानी कि इसके जस्ट बाद में एक वर्ब आपको मिलेगी ही मिलेगी, इज, आर, एम या कोई और वर्ब, लेकिन उससे पहले, जैसे आई एम, ही इज़, ठीक है। तो ये वाली जो वर्ब्स है आपको सब्जेक्टिव केस के बाद मिल जाएंगे। उसके बाद है मी, यू, अस, हिम, हर, देम, इट, इन सब का जो यूज़ है वो एज अ वर्ब किया जाता है, ठीक है, जिसके बाद में, वर्ब के बाद में इनका प्रयोग किया जाता है। देखो सब्जेक्टिव था वर्ब के पहले, ऑब्जेक्टिव है वर्ब के बाद, और पोजेशन जो है उसके हमेशा बाद में कोई नाउन आएगा। नाउन मतलब कोई वस्तु, कोई स्थान, ये सब कुछ, जैसे माई हाउस, आर पेन, आर कॉपी, तो ये जो सारा है ये पोजेशन को शो कर रहा है, ठीक है। माय हाउस, योर पेन, हर वॉच, ये सब में पोजेशन आ गया, यानी कि एक इसके बाद नाउन आ गया। उसके बाद है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव अगर आप प्रोनाउन पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये जो रिलेक्सिव एस आ रहा है ना, इसमें एक्स आ रहा है या सेल्व्स, इसको आप एक दूसरे से रिलेट कीजिए। रिफ्लेक्सिव में क्या होगा, आपको सेल्फ या सेल्स मिल जाएगा, जैसे आई हर्ट माई सेल्फ, यू विल हर्ट योर सेल्फ, ठीक है। तो रेल्फ और सेल्फ ऐसे याद रख लो, या उसमें भी एफ आर है, इसमें भी एफ आर है, ऐसे याद हो जाएगा। रिफ्लेक्सिव में जिसमें निजता का गुण शो हो कि आपको ये काम खुद करना पड़ेगा, इसी किससे मिलता जुलता है इम्फैटिक प्रोनाउन। इम्फैटिक में क्या होता है, जब हम कुछ ज़्यादा ही खुद को शो करने की कोशिश करें, जैसे कि आई विल डू इट माई सेल्फ, हमने ये बात ऑलरेडी कह दी है कि मैं करूँगा, लेकिन ये मैं अपने आप करूँगा, तो हमने क्या किया, उसको कुछ एम्फेसाइज कर दिया। यू योर सेल्फ कैन बेस्ट एक्सप्लेन, आप खुद से, यू योर द टाउन इट सेल्फ, पहले टाउन की बात हो चुकी है, उसके बाद इट सेल्फ का वर्ड यूज़ हो रहा है, इज़ नॉट वेरी लार्ज, दे themselves admitted their guilt। तो ये emphatic pronoun और reflexive pronoun में ये थोड़ा सा चेंज है कि इसमें भी सेल्फ तो आ रहा है, लेकिन इसमें वो पहले खुद की बात कर रहा है और फिर बाद में उसको exaggerate कर रहा है। उसके बाद है demonstrate। demonstrate में this, that, these, such यही आते हैं, इसका मतलब हमने जब किसी की तरफ इशारा करना है, ठीक है, this is a person, this is a present from my uncle,
These are merely excuses. Make haste, that's a good boy. The stranger is welcomed as such. ठीक है, तो यहाँ पे सच भी क्या है, जैसे दिस ये होता है, दीज वो हो गया ना, तो एज सच यानी कि जैसे, ऐसे मान लीजिए ऑल सच पीपल, और वैसे सारे ही पीपल ऑट टू बी अवॉइडेड. ठीक है, तो यहाँ पे सच क्या हो गया, उसके जैसे. उसके बाद है इनडेफिनिट प्रोनाउन. इनडेफिनिट मतलब जो अनिश्चित है, जिसका पता नहीं कि किसने वो वर्क किया. एनीबडी, एवरीबडी, एवरीवन, ईच, एनीवन. ठीक है, इनके साथ ज़्यादातर जो प्लूरल सिंगुलर है उसकी मिस्टेक होती है. तो देखिए, वन हार्डली नोज व्हाट टू डू, नन ऑफ द पोएम्स इज वेल नोन. तो पोएम्स यहाँ पे क्या आया, नन ऑफ वाले के साथ हमेशा क्या आ रहा है, प्लूरल आ रहा है. सम आर बॉर्न ग्रेट, आर आ गया, देखो इस भी आ सकता था लेकिन नहीं, यहाँ पे क्या आया, प्लूरल. समबडी हैज़ स्टॉलन, देखो जब हमने किसी एक की बात करनी है, समबडी, तो हैज़ आता है. हैज़ मतलब जिसमें ऐसा आ गया वो सिंगुलर के लिए, हैव में ऐसा नहीं आता तो वो प्लूरल के लिए, डू में ऐसा नहीं आया तो वो प्लूरल के लिए, डज में ऐसा आता तो वो सिंगुलर के लिए. ठीक है, इज में ऐसा आता तो वो भी सिंगुलर के लिए, आर में नहीं आता तो वो प्लूरल के लिए. मैनी ऑफ देम, तो मैनी आ गया तो भी प्लूरल साथ लगाया. नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. तो अब डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है, जब एक टाइम पे हमने केवल एक को ही सूचित करना है. ठीक है, जैसे हमेशा सिंगुलर ही जिसमें है, ईच ऑफ द बॉयज गेट्स अ ट्रॉफी. देखो गेट्स में ऐसा आ गया इनके सिंगुलर, हमने इसमें बॉयज तो क्या लिखा है, सभी में से एक को ट्रॉफी मिलेगी, इन में से एक को. ठीक है, तो ईच ऑफ द बॉयज गेट्स अ ट्रॉफी, तो उसमें हमने एक को इंडिकेशन दे दी. नेक्स्ट में हम देखेंगे कि इसमें ईच के साथ, यहाँ तो हम इस डिस्ट्रीब्यूटर में ईच बना के दिखाया, उसके बाद इसमें ईदर भी आता है, नीदर भी आता है. ईदर और नीदर हमेशा तब लगते हैं जब हमने दो की बात करनी है, या तो ये या तो वो, ना तो ये ना तो वो. तो ईदर ऑफ दीज रोड्स लेड टू द बस स्टेशन, दोनों ले जाएंगी. नीदर ऑफ द एक्यूजेशन इज फॉल्स, तो सबकी जो दलील, ना तो इसकी दलील गलत थी ना उसकी. तो ईदर नीदर क्या होता है, ना तो या तो, दो के बीच. उसके बाद है रिलेटिव प्रोनाउन, ऐसे प्रोनाउंस ठीक है जो किसी नाउन की तरफ क्या कर रहे हैं, इंडिकेशन दे रहे हैं या संबंध शो कर रहे हैं. व्हाट, दैट, हु, हूज, हुम, विच, ये इसके डब्ल्यू एच वर्ड्स रिलेटिव. देखो अपने जो रिलेटिव होते हैं वही ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो ज़्यादातर ये क्वेश्चन वाले इसी में आ गए. दिस इज़ द बॉय हु वर्क्स हार्ड, द सन हूज रेज गिव्स, यानी कि जिससे हमने रिलेशन शो कर दिया, ये वही लड़का है जो. ठीक है, द सन हूज, सूर्य जिसकी, द मोमेंट विच इज लॉस्ट, वो वक्त जो चला गया, इज लॉस्ट फॉर एवर. उसके बाद है कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस. तो कंपाउंड में क्या है, नाम में ही कंपाउंड है, तो ये दो तीन चीज़ों को ऐड कर देगा, जैसे हू एवर, हूसो एवर, व्हाट्स एवर, एवर एवर. तो इससे पहले हमने जो दैट पढ़ा था ना, आप कहोगे यहाँ पे भी तो दैट था. देखो दैट इज़ द रेड फोर्ट, वहाँ सिर्फ डायरेक्ट वर्ड थी कि वो रेड फोर्ट है. ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव है, लेकिन जब रिफ्लेक्ट ये रिलेटिव में आया है तो हमने उसकी चीज़ की पहले ही बात कर दी है कि वो गिव मी अ पेन दैट आई हैव गिवन यू, तो दैट बाद में आया. अब संयुक्त यानी कि कंपाउंड में क्या है, हूसो एवर, व्हाट्स एवर, वेर एवर, ये जो होता है इसमें क्या है कि हम जगह को इंडिकेशन नहीं दे रहे, हू एवर दे आर आई डोंट केयर, हू एवर कम्स इज़ वेलकम, मतलब जो भी आए. इस सब का ही मतलब ये होता है, किसी वस्तु के लिए आ जाए नॉन लिविंग तो व्हाट आ जाता है, पर्सन के लिए आ जाए तो हू आ जाता है. अब क्वेश्चन के लिए तो डब्ल्यू एच वर्ड्स आ ही गए हैं, इसमें क्वेश्चन मार्क इसकी इंडिकेशन है, हु इज़ देयर, विच इज़ द हाउस, व्हाट इज़ द मैटर, व्हाट विल बी द नेबर से, व्हाट विल ऑल द नेबर से, तो ये क्वेश्चन में आ गया. अब करेक्ट यूजेज ऑफ प्रोनाउंस देखते हैं. करेक्ट यूजेज ऑफ प्रोनाउन में एनीबडी, एवरीबडी, ईच एट्सेट्रा, जिसमें सेक्स डिटर्मिन नहीं होता उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, ही लगाते हैं. अब आप कहोगे ही शी भी तो लगा सकते थे, तो यहाँ पे ही एक रूल है, जैसे एनीबडी कैन डू इट इफ़ ही ट्राइज, तो यहाँ आप ये नहीं करोगे इफ़ ही और शी ट्राइज, और नहीं आएगा इसके साथ. एवरीबडी डिड एक्सरसाइजेज एज मैनी एज ही कुड, यहाँ जो ही है वो रिप्रेजेंट्स बोथ मेल एंड फीमेल. ठीक है, जब भी एनीबडी, एवरीबडी, एवरीवन ये सब लगा देते हैं और बाद में उसी की बात करते हैं तो हम ही का ही यूज़ करते हैं. ठीक है, उसके साथ शी नहीं लगाते क्योंकि वो ही जो है वो दोनों को इंडिकेशन दे रहे हैं. विच वर्ड और हु वर्ड, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है.
हु और हुम, ठीक है. हु का मतलब जो की, हु इज़ जो की, एंड मतलब जिस जो ये जो राम जो की संत थे, ठीक है. नेक्स्ट इज़ हुम, ठीक है, जिस जिसे जब हमने कहना जिसे, जब भी हु का यूज़ करना है तो वो सब्जेक्ट के साथ आएगा या सब्जेक्ट की फॉर्म में आएगा और इसके बाद हमेशा वर्ब आएगी. लेकिन जब हुम का यूज़ करना है तो ये ऑब्जेक्ट की तरह होता है, इसके बाद एक सब्जेक्ट आता है, बाद में वर्ब आती है. जैसे राम हुम वी, तो वी क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ऑलवेज वर्ब ये सारी वर्ब में आ गई. बॉय हु इज़ स्टैंडिंग नियर द टेम्पल, अ बॉय हु के जस्ट बाद इज़ आ गया तो वर्ब आ गई ना, हु के बाद अगर सब्जेक्ट आता तो वो गलत हो जाता. जैसे द मैन हुम आई लाइक, आई क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया ना, हुम के बाद सब्जेक्ट आया, उसके बाद लाइक आया, तो ये क्या हो गया, उसकी वर्ब हो गई. नेक्स्ट इज एक्सरसाइज, अब आपको बताना है वी आएगा या अस. ही आस्क्ड टू ऑफ वी या टू ऑफ अस स्टूडेंट्स टू गो होम. तो इसमें क्या सही है, अस सही है. क्यों, क्योंकि इसमें सब्जेक्टिव केस है वी, और सब्जेक्टिव नहीं आएगा क्योंकि उसने ही आस्ट पहले ही कह दिया, तो अस क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव होता है जिसकी बात बाद में की जाती है. एनी स्लैश आइदर ऑफ द टू बॉयज, जब टू आ जाता है तो क्या लगाते हैं, आइदर, ठीक है. एनी नहीं आएगा. एनी क्या होता है, ज़्यादा वस्तुओं के लिए, ज़्यादा व्यक्तियों के लिए होता है. यू आर गोइंग टू दिल्ली, इजंट यू, नहीं, जब यू है प्लूरल है तो यहाँ पे आरंट यू ही आएगा. यू के साथ आर है तो यहाँ पे भी आरंट यू. नेक्स्ट इज लेट आई स्लैश मी डू दिस वर्क, तो लेट के बाद हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस. अब ये ऑब्जेक्टिव केस क्या थे, तो हमने थोड़ी देर पहले ही सब्जेक्टिव केस, पोजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस पढ़े थे, ठीक है. तो वो जो सब्जेक्टिव थे वो आई वी यू ही शी इट दे थे. पोजेशन में माइन आर्स था और ऑब्जेक्टिव में था मी अस यू हिम हर इट देम. तो ये जो ऑब्जेक्टिव केस है इनको आपने क्या करना है, रिमेंबर रखना है. किसके बाद, लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आएगा. देर इज़ एन आर्गूमेंट बिटवीन, तो बिटवीन होता है दो जनों के बीच में, और इसमें भी ऑब्जेक्टिव केस आता है, हिम एंड मी, ना कि ही एंड आई, नहीं, हिम एंड मी. ऑब्जेक्टिव या कंपैरिजन के लिए हम हिम ऑब्जेक्टिव ही वर्ड्स का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट यहाँ पे लेट मी करेक्ट, हाँ जी. सो राम केम हियर विद सीता एंड किसके साथ, हिम, ठीक है. ऑब्जेक्टिव केस, जब भी बाद की बात है तो ऑब्जेक्टिव केस ही लगाना. गो एंड सी देम स्लैश दे एंड देयर फ्रेंड्स, तो यहाँ क्या आएगा, गो एंड सी देम आएगा. क्यों, क्योंकि उसने पहले काम कर दिया. गो जाओ और देखो, किसको देखो, बाद में, मतलब जो ऑब्जेक्टिव हैं हमारे. नेक्स्ट इज इट इज़ सच अ पावरफुल बाइक विच स्लैश दैट, तो ये एक कन्फ्यूजिंग होता है क्योंकि बाइक जो है नॉन लिविंग है, तो क्या लगाएं इसके साथ. लेकिन इसके साथ हमेशा जब भी सच आ जाए ना, तो सच के बाद हमेशा दैट या एज लगता है, विच नहीं लगता. हालांकि विच यहाँ पे सही होता अगर सच ना होता तो, ठीक. दैट सही होगा यहाँ पे. माय कॉलेज इज़ बेटर देन यू स्लैश दैट ऑफ योर्स, तो जब कंपैरिजन आ गया, माय कॉलेज इज़ बेटर देन दैट ऑफ योर्स, जब हमने कंपैरिजन कर दिया तो दैट ऑफ उसके साथ आ जाता, क्योंकि मेरा कॉलेज आपसे बढ़िया, तो कॉलेज और किसी व्यक्ति का कंपैरिजन तो हुआ ही नहीं. दैट ऑफ योर्स मतलब जैसा आपका है उससे बढ़िया. सो दिस इज़ योर बुक बट वेयर इज़ माइन, अगर यहाँ पे बुक लिख देते तो आता वेयर इज़ माई बुक, लेकिन क्योंकि बुक नहीं लिखा तो यहाँ क्या आएगा, दिस इज़ योर बुक बट वेयर इज़ माइन. तो माइन मीन्स यहाँ पे क्या आ गया, उसका ऑब्जेक्टिव केस आ गया. दोनों सही होते हैं, लेकिन माई को क्या चाहिए होता है, हमेशा ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, ठीक है. तो ऑब्जेक्ट है नहीं, तो हमने लिख दिया कि दिस इज़ योर बुक बट वेयर इज़ माइन, ठीक. अरविंद इज एज ओल्ड एज, तो यहाँ पे एज हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, इसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा. तो ऑब्जेक्टिव केस क्या है, अरविंद इज एज ओल्ड एज मी. थैंक यू सो मच, टू सब्सक्राइब.